So, starting our first chapter, that is programming techniques, whenever we talk about programming, we talk about the problem. जब हम programming की बात करेंगे, techniques, programming, तो आपको पता ना, programming किसे कहते हैं, जब आप program बनाते हो. Like programming means to write the program, और टेक्निक्स होती हैं वो तरीके का जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज बेसिकली अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है, एंड इट इज रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज. हम अगर प्रोग्राम की बात करेंगे तो हम हमेशा, ठीक है, बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की. Step-by-step procedure is something like that. If you want to put on your shoes, like अगर हम एक problem की बात करते हैं, if you want to put on your shoes, अगर आपने अपने जूते पहनने हैं, you will put on the, you know, socks first and then you will put on the shoes. ऐसा नहीं होता कि आप पहले shoes पहने फिर socks पहने. So this is how a systematic approach went on जब आपको कोई भी problem को solve करना होगा. प्रोग्रामिंग की जब भी हम बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और जब हम प्रोग्राम की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं. प्रोग्रामिंग होता है प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम होता है किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक वे के साथ उसको सॉल्व करना. सो व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रामिंग, वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रॉब्लम. तो ये जो है ना, ये हम कह सकते हैं दीज आर इंटर कनेक्टेड विद ईच अदर. टेक्निक्स तरीकाकार होते हैं. अब वो टेक्निक्स ये भी हो सकती हैं डेट यू आर यूजिंग ईदर एल्गोरिदम्स, यू आर यूजिंग फ्लो चार्ट, और यू आर यूजिंग लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. देर आर डॉट नेट लैंग्वेजेस, देर आर, यू नो, object oriented languages, there are structural languages, there are a lot of different computer languages that are available. But whichever you will choose, you will do the problem solving. Basically har ek cheez jo hai wo problem ke ird gird ghoom rahi hai. That is the main reason why programming was invented, to solve the problem. A problem kya hota hai? Anything you want to do, anything you want to do or perform is a problem. ठीक है, अगर इसको हम जर्नल टर्म में लेकर जाएं, a problem is to connect your computer with your internet, it is a kind of problem. ठीक है, हर वो काम जो आपने करना है, it is a problem in computer terms. ठीक है, जब हम computer की term में बात करेंगे, हम हर एक चीज को problem के तौर पर लेंगे. If you want to open the door, it is a problem. If you want to put on your clothes, a problem. If you want to make a tea, it is a problem. So there are different kinds of problem, and these problems can be solved with a systematic approach. Aur ye jo problem solving ki approach main aapko aaj bataungi, ye wo approach hai jo aap duniya mein jab tak zinda hain, kisi bhi problem ko solve karna hai, आप इस सिस्टमैटिक स्टेप्स को यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज हाउ व्हेनेवर अ प्रोग्रामर इज, यू नो, हम ये कहते हैं कि जब भी प्रोग्रामर किसी मुसीबत में फंसता है, वो जल्दी उससे निकल जाता है, क्योंकि उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक सीखी हुई होती है. एज कंपेयर टू द लेमैन, और जो आम बंदे होते हैं, उसके मुताबिक प्रोग्रामर के पास टेक्निक ज्यादा अच्छी होती है. ठीक है, या ये समझ लें, प्रोग्रामर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन की तरफ लेकर चला जाता है. प्रॉम्प्ट माइंडेड होते हैं प्रोग्रामर्स. सो वो होते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है. और प्रॉब्लम सॉल्व करनी उन्होंने कैसे सीखी? उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को सीखा. और प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स क्या हैं, वो आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले तो ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज द मेन टास्क. ठीक है, ये सबसे मेन टास्क है किसके लिए? इन अ कंप्यूटर साइंस, व्हिच इज द जॉब ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर, इट इज द मेन टास्क.
कंप्यूटर साइंस में जब भी हम किसी भी टास्क के बारे में बात करेंगे, हम उस टास्क को एज अ प्रॉब्लम लेके चलेंगे। यानी कि कोई भी चीज़, आपने किसी भी चीज़ का प्रोग्राम लिखना है और किसी भी चीज़ के बारे में आपने सॉल्यूशन ढूंढना है, आप उसको प्रॉब्लम कहेंगे, ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस। और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है कि सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, कि सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या? अगर आपको ये नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है। अंडरस्टैंड करने के बाद प्रोग्रामर क्या करता है, उसके स्टेप्स प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाता है। लेकिन मेन काम क्या है, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होनी चाहिए, और वो किस तरह से डेवलप होगी, जब आप सिस्टमेटिक वे के थ्रू प्रॉब्लम को समझेंगे, उसको डिवाइड करेंगे इनटू डिफरेंट पार्ट्स, उसके अंदर से फाइंडिंग्स को ढूंढेंगे, गिवन ढूंढेंगे, और फिर आप उसका आगे प्रोसीजर जो है वो ढूंढेंगे, देन यू वुड बी एबल टू स्मूथली गो फ्रॉम द प्रॉब्लम टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। सो ये जो पूरा एक प्रोसेस है ना प्रोग्राम लिखने का, दैट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बेसिकली हमने कहाँ पहुंचना होता है, हमने उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ पहुंचना होता है। सो एंड रिजल्ट हमारा क्या होता है, हमारा हमेशा एंड रिजल्ट जो होगा वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम से प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग और फिर उससे उसके सॉल्यूशन की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। पहले तो आपको प्रॉब्लम दी जाती है, वो कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई नीड हो सकती है यूजर की, एनीथिंग एनीथिंग दैट इज गिवन टू यू इज द प्रॉब्लम। ठीक है, कोई भी चीज आपको मिलेगी इन कंप्यूटर साइंस, यू विल कॉल इट अ प्रॉब्लम। फिर आप उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कैसे, उसको बार बार पढ़ेंगे। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी, वो 15 हैं। फिर आपके पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपने 2 करने, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपने 1 करना है। सो बेसिकली वो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला ना, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व इट। तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन पेपर को आप पहले अंडरस्टैंड करेंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आपने क्वेश्चन पेपर लिया और पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया विदाउट अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता, नॉट इवन मी। सो वेन एवर यू गेट यू केम टू नो एनी प्रॉब्लम, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि प्रॉब्लम क्या है। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया, दैट इज द प्रॉब्लम फॉर यू, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपने पेपर को अंडरस्टैंड किया कि ये पेपर मुझे करना है, अदरवाइज मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। फिर आपने ये अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प की कि इसमें 15 एमसीक्यूज हैं, इसमें 2 शॉर्ट करने और 1 लॉन्ग करना है। दैट इज द जो है ना मेन थिंग्स, दैट इज द मेन सॉल्यूशन, कि आपको 15 एमसीक्यूज करने हैं, अदरवाइज आपके नंबर नहीं आ सकते। 2 शॉर्ट करने हैं, 1 लॉन्ग करने हैं, सो दिस इज द प्रॉब्लम। फिर आप क्या करते हो, फिर आप एमसीक्यू पढ़ना शुरू कर देते हो, क्योंकि वो सबसे पहले आपसे ले लिया जाता है। सो ये उसका सिस्टमेटिक अप्रोच है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले लॉन्ग कर लो, फिर शॉर्ट कर लो, फिर एमसीक्यूज करो। आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हो। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन पेपर है, उसके ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम है एमसीक्यूज करने का। तो आप वो 10-15 मिनट में एमसीक्यूज ही करोगे, आप उसमें शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करोगे। दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। और वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई, आपने ऊपर से क्वेश्चन पढ़ा, नोट पढ़ा, दैट 15 मिनट्स इज गिवन टू यू फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज, आफ्टर दैट द एमसीक्यूज विल बी टेकन फ्रॉम यू। दैट इज द प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। आपने अंडरस्टैंड कर दी प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप, आपने अंडरस्टैंड किया कि मुझे इस 15 मिनट के अंदर ये 15 एमसीक्यूज करने हैं। दिस इज हाउ यू आर डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आप एमसीक्यू करना शुरू कर देते हो।
क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने का। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने वो पढ़ना शुरू कर दिया, पहला एमसीक्यू पढ़ा आपने और उसके नीचे आपने ना उसके ऑप्शंस पढ़ लिए, 3 या 4 जितने भी गिवन है। अगर तो आपको उसका सॉल्यूशन पता है, आप फौरन क्लिक कर दोगे। लेकिन फिर आप क्या करोगे अगर आपको नहीं पता? सपोज मैथ्स का एमसीक्यू था, आपको वो सॉल्व करना है, तो अब वो भी एक प्रॉब्लम है। आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे। दैट इज हाउ यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग। और इसी तरह आप प्रोग्राम भी लिखोगे, आपको उस प्रॉब्लम को बार बार पढ़ना है। पढ़ने से पता चलेगा वो प्रॉब्लम है क्या। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, सो व्हाट यू विल डू, फर्स्ट एट फर्स्ट यू विल रीड दैट प्रॉब्लम, यू विल रीड दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। हो सकता है एक बार पढ़ने से आपको समझना है, दूसरी बार पढ़ने से आपको ये पता चल जाए कि इसमें कहा हुआ क्या है, और तीसरी बार पढ़ने से आपको उसका आंसर भी पता चल जाए। सो दैट इज हाउ यू ब्रेक